नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका लगा है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समेत 30 लोगों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि इन नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद ओपी राजभर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बगावत की खबरें सामने आने के बाद अब एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष पांडे को निकाले जाने का लेटर पैड भी वायरल होने लगा है। देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल माऊ शहर के एक प्लाजा में ओपी राजभर के रिश्तेदार और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर ने अपने कई समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। महेंद्र राजभर ने सुभाषपा प्रमुख पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर परिवारवाद कर रहे हैं, सुभाषपा अब पिता पुत्र की पार्टी बनकर रह गई है। ओपी राजभर गरीबों की बात करते थे, लेकिन वो अपने मिशन से भटक गए हैं। आरोप लगाया कि सुभाषपा प्रमुख पैसे लेते हैं और पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता। वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ने आरोप लगाया था कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रवक्ता संतोष पांडे ने पार्टी के टिकट बंटवारे में काफी धांधली की है। कार्यकर्ताओं को ना देकर बल्कि नए नए लोगों को पार्टी का टिकट देकर धन उगाही कर दिया है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं में भारी रोष है, जिसके कारण वो पार्टी छोड़ रहे हैं। साथ ही महेंद्र राजभर का आरोप का जवाब देते हुए उन्होंने बोला कि मुख्तार अंसारी के साथ सारी मीटिंग वही करते थे, चुनाव में उनके साथ घूमने का काम भी करते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के यह सबसे करीबी थे। मुख्तार अंसारी से बात आज करने का काम महेंद्र राजभर ने ही किया करते थे। इन लोगों के मसूबे कामयाब नहीं हुए तो इन लोगों ने तरह तरह के आरोप लगाना शुरू कर दिया। पार्टी से निकाले जाने का जब प्रश्न किया गया तो उन्होंने बताया कि रात 12 बजे तक राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ लखनऊ में थे। इन्हीं के दिशा निर्देश पर पार्टी की मीटिंग के लिए बनारस के लिए वो जा रहे थे, तो निकाले जाने का कोई सवाल नहीं होता है। यह पूरी तरह से फर्जी है, इसे कट पेस्ट करके बनाया गया है। इसके परिपेक्ष में पार्टी के अधिकृत साइट से इनका खंडन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। राजभर के खिलाफ उनकी भारतीय सुहेल देव पार्टी में बगावत के सुर फूट पड़े हैं। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समेत अन्य तमाम पदाधिकारियों ने पार्टी से अपने-अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव से अलग होने के बाद वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त कर ओम प्रकाश राजभर अपने समाज का एक बड़ा नेता होने का दावा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पार्टी में इस प्रकार की फूट से उनके सामने दिक्कतें आ सकती हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहे कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।